लाइफ में बाउंस बैक आप तभी कर पाएंगे जब तेज आंधियों के झकझोर से आप ना तो टूटेंगे और ना ही अपनी जगह को छोड़ेंगे। 94.3 माय एफएम से मैं विनी आपके साथ हूँ और चलो आज कुछ अच्छा सुनते हैं। एक बार गुरु जी अपने शिष्य के साथ एक जंगल से गुजर रहे थे। अचानक से शिष्य का पैर फिसला और नीचे खाई की तरफ गिरने लगा, लेकिन तभी उसके हाथ में आ गया एक बांस का पौधा। उसने उस बांस के पौधे को तेजी से पकड़ लिया। बांस का पौधा पूरा नीचे मुड़ गया, झुक गया, लेकिन शिष्य की जान उसने बचा ली। गुरु जी ने वापस उसे बाहर निकाल लिया। बाद में जब वो लोग अपने रास्ते पर आगे बढ़ रहे थे तो गुरु जी ने शिष्य से पूछा कि उस बांस के पौधे ने तुम्हें एक मैसेज दिया है, तुमने सुना? तो उसने कहा कि नहीं, मेरे प्राण संकट में थे, मैं क्या सुनूंगा, मुझे ना कुछ सुनाई दिया ना कुछ समझ में आया। तो गुरुजी ने कहा ठीक है, उसने जो मैसेज तुम्हें दिया है वो मैं तुम्हें दोबारा करके दिखाता हूँ। रास्ते में जो एक और बांस का पौधा मिला, गुरुजी ने उसे बहुत तेजी से नीचे की तरफ मोड़ दिया और जब छोड़ा तो वो उससे भी ज्यादा तेजी से वापस जाकर खड़ा हो गया। गुरुजी ने समझाया यही तो इसका मैसेज है। अभी भी नहीं समझे तो मैं समझाता हूँ। बांस का ये जो पौधा होता है ना, ये लचीला होता है। कितनी भी जोर से इसे आंधी झकझोरे या तोड़ने की कोशिश करे, ये अपनी जगह को छोड़ता नहीं है। थोड़ा सा विनम्र हो जाता है, झुक जाता है, लेकिन उसके बाद वापस अपनी जगह पर खड़े हो जाता है। और यही मैसेज ये बांस का पौधा तुम्हें देता है कि लाइफ में ना बहुत सारा बुरा वक्त आएगा जब आपको एक्चुअली कोई ना कोई फोर्स कर रहा होगा कि आप अपनी जगह को छोड़ दें, आप जो हैं वो ना रह जाएं, लेकिन आपको बांस की तरह लचीले बनना है। थोड़ा सा झुक जाइए, थोड़ा सा विनम्र हो जाइए और थोड़ा सा सह लीजिए, लेकिन उसके बाद जब आप उठेंगे ना, जिसे बाउंस बैक कहते हैं, जब आप बाउंस बैक करेंगे तो वो पहले से भी जोरदार होगा, बिल्कुल बांस के पौधे की तरह। वो जितनी तेजी से नीचे आता है ना, उससे कहीं ज्यादा तेजी से वापस जाता है। गुरु जी ने कहा कि यही है बांस के पौधे का मैसेज आपके लिए, और ये मैसेज आप सबके लिए है, चाहे आपकी वर्क लाइफ हो, परिवार हो। कई बार ऐसा लगता है कि सिचुएशन इतनी विपरीत हो गई कि हम इस जगह पर बने ही नहीं रह सकते, लेकिन ये आपको समझना है कि क्या वाकई सिचुएशन इतनी बुरी है कि आप उस जगह को छोड़ दें, या फिर डटे रहें, जमे रहें, थोड़ा सा झुकें, थोड़ी सी विनम्रता रखें और थोड़ा सा सहें, और उसके बाद देखिए आप किस तरह बाउंस बैक कर पाते हैं। कठिन से कठिन हालातों में भी अगर आप अपने दिमाग पर हालातों को हावी नहीं होने देते, तभी आप सच्चे मायनों में विजेता हैं। चलो आज कुछ अच्छा सुनते हैं। 94.3 FM to you।